नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरुण और मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल एपी फिल्म रिव्यू पर, जहां पर हम फिल्मी अपडेट्स देने के साथ यूट्यूब कम्युनिटी की भी थोड़ी बहुत अपडेट्स देते हैं। अगर आप है मूवी और यूट्यूब लवर तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे पहला और जबरदस्त अपडेट है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन को लेकर। तो फाइनली अल्लू अर्जुन सर ने अपने अपकमिंग 21वीं फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है और इस 21वीं फिल्म को साउथ इंडस्ट्री के सबसे फेमस डायरेक्टर कोटाला सिवा डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने पहले भी जनता का राज और भारत अने नेनू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग 21वीं फिल्म कोटाला सिवा जैसे फेमस डायरेक्टर के साथ कितनी जबरदस्त होगी। अल्लू अर्जुन सर अभी अपनी 20वीं फिल्म पुष्पा को लेकर बिजी है, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म है। इसलिए अल्लू सर को उनकी 20वीं और 21वीं फिल्म की प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स इंडिया की अपकमिंग बायोपिक फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को लेकर। तो फाइनली जानवी कपूर स्टारर मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मुझे पर्सनली ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुंजन सक्सेना मूवी की ट्रेलर के लिंक दे दिया है, अगर आप चाहे तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगला अपडेट है साउथ इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार एक्टर, डायरेक्टर और फिनोमिनल डांसर राघवा लॉरेंस सर के बारे में। तो राघवा सर अपनी अपकमिंग मूवी चंद्रमुखी 2 के स्क्रिप्ट लिखने में बिजी है, लेकिन कुछ फेक मीडिया न्यूज ये दावा कर रही थी कि राघवा सर की अपकमिंग मूवी चंद्रमुखी 2 के लिए ज्योतिका, सिमरन और कियारा आडवाणी इन तीनों में से किसी एक एक्ट्रेस को चंद्रमुखी 2 के लिए लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया जाएगा। लेकिन इन सब बातों को गलत बताते हुए राघव सर ने कंफर्म किया है कि ये सब फेक न्यूज है और इन न्यूज में कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने खुद ये बात कंफर्म किया है और अपने फैंस को उन्होंने कहा है कि वो अभी इस लॉकडाउन में चंद्रमुखी 2 के स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो बहुत ही जल्द इस मूवी के स्क्रिप्ट कंप्लीट कर देंगे। राघव सर की उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट चंद्रमुखी 2 के लिए उनको बहुत सारी बधाई। तो दोस्तों, अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स की बिग बजट सीरीज मनी हाइस्ट को लेकर। तो फाइनली नेटफ्लिक्स ने मनी हाइस्ट के आखिरी सीजन यानी सीजन 5 की अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ है। मनी हाइस्ट के सीजन 5 मनी हाइस्ट की सीरीज की आखिरी सीजन होगी। तो दोस्तों, अगला अपडेट है कन्नड़ा इंडस्ट्री के पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर के बारे में। तो फाइनली पुनीत सर ने अपने अपकमिंग मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। पुनीत सर की अपकमिंग कन्नड़ा मूवी का नाम है युवा रत्ना, जिसे सिर्फ कन्नड़ा भाषा में रिलीज किया जाएगा। पुनीत सर की अपकमिंग मूवी युवा रत्ना का जब फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ तो उनके फैंस ने उनको तगड़ा सपोर्ट किया। इसी सपोर्ट को पुनीत सर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी पे अपने फैंस को मेंशन किया। आप देख सकते हैं कि उनके फैंस ने इस मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर को कितना तगड़ा सपोर्ट किया। पुनीत सर को उनकी अपकमिंग फिल्म युवा रत्ना के लिए उन्हें बहुत सारी बधाइयां। तो दोस्तों, अगला अपडेट है तेलुगु इंडस्ट्री के हैंडसम सुपरस्टार निखिल सर को लेकर। तो फाइनली निखिल सर ने अपना 20वीं फिल्म की अनाउंसमेंट कर लिया है। निखिल सर की अपकमिंग अनटाइटल्ड तेलुगु मूवी को नारायण दास के प्रोड्यूस करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म के ऑफिशियल कास्टिंग और डायरेक्टर की कास्टिंग होना बाकी है और वो बहुत ही जल्द इसके अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से निखिल सर को उनकी 20वीं फिल्म के लिए बहुत सारी बधाइयां। तो दोस्तों, अगला अपडेट है यूट्यूब सुपरस्टार आशीष चंचलानी को लेकर। तो फाइनली 2 महीने के लंबे गैप के बाद आशीष सर ने अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड किया और ये वीडियो रक्षाबंधन के ऊपर बनाई है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आशीष सर की न्यू वीडियो के लिंक दे दिया है, अगर आप चाहे तो आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगला अपडेट है अल्लू अर्जुन की इसी साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म अला वैकुंठ पुरामुल्लू से। तो अला वैकुंठ पुरामुल्लू मूवी के फेमस सॉन्ग बुट्टा बोमा ने हाल ही में मोस्ट व्यूड तेलुगु सॉन्ग और मोस्ट लाइक तेलुगु सॉन्ग का रिकॉर्ड हासिल किया था, जहां पर बुट्टा बोमा सॉन्ग ने हाल ही में 250 मिलियन व्यूज क्रॉस किया था, लेकिन अब वो 300 मिलियन व्यूज YouTube पर क्रॉस कर चुका है और ये सॉन्ग तेलुगु सिनेमा की मोस्ट व्यूड सॉन्ग की लिस्ट में अभी भी नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, अगला अपडेट है YouTube सुपरस्टार ट्रिगर इंसान को लेकर। तो अभी हमारे देश में बिहार और आसाम में बाढ़ की वजह से वहां पर सिचुएशन बहुत ही खराब है, इसलिए इस सिचुएशन को देखकर इंडियन YouTube गेमिंग कम्युनिटी ने पहले ही लाइव स्ट्रीम करके जो पैसा भी फैंस ने डोनेट किया था वो आसाम और बिहार के फ्लड्स में इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ने डोनेट किया है। लेकिन अब ट्रिगर्ड इंसान, जिनका एक दूसरा एक गेमिंग चैनल है जिसका नाम लाइव इंसान है, वहां पर उन्होंने आसाम और बिहार के फ्लड्स में लोगों की मदद करने के लिए
24 घंटे तक स्ट्रीम किया है, यानी 31 जुलाई शाम 5 बजे से 1 अगस्त शाम 5 बजे तक वो स्ट्रीम करेंगे। और इस स्ट्रीम में जितना पैसा फैंस डोनेट करेंगे वो सब पैसा लाइव इंसान बिहार और आसाम के फ्लड्स में लोगों के मदद के लिए डोनेट कर देंगे। क्रिकेट इंसान के इस ग्रेट वर्क के लिए मेरी तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों अगला अपडेट है तेलुगु इंडस्ट्री के मेगा पावर स्टार रामचरण को लेकर। तो रामचरण की ब्लॉकबस्टर फिल्म मगधीरा को 11 साल पूरे हो चुके हैं और इसी खुशी के मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया अपने इस प्यारे से फिल्म मगधीरा को लेकर। आप खुद देख सकते हैं कि ये वीडियो कितना जबरदस्त है। तो दोस्तों आज का लास्ट अपडेट है बॉलीवुड के हैंडसम सुपरस्टार बॉबी देओल को लेकर। तो बॉबी सर ने डिजिटल मीडिया एमएक्स प्लेयर पर आश्रम नाम के एक वेब सीरीज में अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं और इस वेब सीरीज को प्रकाश झा डायरेक्ट करने वाले हैं। बॉबी सर की अपकमिंग वेब सीरीज आश्रम को 28 अगस्त को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज किया जाएगा। तो मेरी तरफ से बॉबी सर को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पे क्लिक कर देना। इससे ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।